Hello everyone, my name is Sarthak and welcome to Planet Study. Do hard work in a smart way. अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना तो हम वीडियोस बनाते हैं करियर प्रॉब्लम्स, बुक समरीज और स्टूडेंट्स से रिलेटेड हर प्रॉब्लम के बारे में, राइट? तो ये वीडियो हमारी है कॉन्सेंट्रेशन सीरीज के कंटिन्यू होती आ रही है और ये वीडियो नंबर है 4। मैंने आपको बता दिया पहले कॉन्सेंट्रेशन कैसे करें, फिर उसको मेंटेन करें, फिर उसको इंक्रीज करें। अब कुछ टेक्निक्स भी दूंगी कॉन्सेंट्रेट करने की। एक टेक्निक थोड़ी होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है कॉन्सेंट्रेट करने की। एक एक करके आज मैं उनसे आपको डिस्कस करता हूँ। आपने आज तक नहीं सुनी होगी, मेरी शर्त है आपसे। आप बहुत ही कम बच्चों ने उनके बारे में पढ़ा होगा, वीडियो कभी नहीं देखी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेक्निक नंबर 1, ABC टेक्निक, अवेयरनेस ब्रीथिंग चूजिंग टेक्निक। इसको मेरे साथ करना है आपको। कोई दिक्कत आ रही होगी ना दिमाग में, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, उस प्रॉब्लम को लेके आओ। आ गई। अब पहला पॉइंट, अवेयर हो गए इस प्रॉब्लम के बारे में। कुछ भी हो गया आज, जो भी जिंदगी में आज जो सबसे बेकार या सबसे अच्छी चीज हुई ना, उससे पहले अवेयर हो गए। स्टेप 2, ब्रीथ। ऐसे एक ब्रीथ लेना है। अब अवेयर होना है कि उस मेरी वीडियो को देखना है या उस प्रॉब्लम पे जाना है, राइट? ABC टेक्निक। पहले तो हम अवेयर हुए प्रॉब्लम आ रही है, फिर एक सांस लिया लंबा, फिर हमें चूज करना है उस प्रॉब्लम की तरफ जाना है, ये जो हम काम कर रहे हैं उसकी तरफ जाना है। ये ABC टेक्निक अपना लो भाई। बस ये एक ही टेक्निक है कॉन्सेंट्रेशन की, जिसने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स को। इस ABC टेक्निक को फॉलो करो, पता चल जाएगा दिमाग में चल कर आइए, जो दिमाग है ना ये, इसमें सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि कहां मैं जा रहा हूं, कहां कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम हो रहा है, कहां ज्यादा जा रहा है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिंदगी की जो मुझे सॉल्व करनी है, जिससे मेरा दिमाग इजीली कन्वर्ट हो जाए कॉन्सेंट्रेशन लेवल की तरफ। दैट इज टेक्निक नंबर 1, ABC टेक्निक। टेक्निक नंबर 2, दैट इज स्पाइडर टेक्निक। स्पाइडर टेक्निक का मतलब, आपने कभी मकड़ी का जाला देखा है? मकड़ी के जाले पे कोई एक डंडी या फिर कोई पत्थर उठा के फेंकना, मकड़ी एक बार ध्यान देगी, फिर दूसरी बार दोबारा फेंकना वो थोड़ा बहुत ध्यान देगी, तीसरी बार फेंकना नहीं देगी, चौथी बार वो भूल जाएगी तुम फेंक भी रहे हो कुछ। समझ रहे हो पॉइंट क्या हुआ? एक चीज दिमाग में बार बार आ रही है, पहली बार आई आपका दिमाग खेल गया, सब कॉपी वॉपी बंद करके आप सो गए पढ़ गए या बैठ गए, गुस्सा आ गया। दूसरी बार आई और थोड़ा सा गुस्सा कम आया, तीसरी बार आई थोड़ा कम आया, फोर्थ टाइम में भाई अब वो चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, बार बार आ रही है ना, आदत डाल लो उसके आने की, ठीक है? अब तो आदत पड़ जानी चाहिए जब इतनी वो बार बार प्रॉब्लम आ रही है। तो जो इस टेक्निक का ऑथर है ना, उसने कहा कि इस टेक्निक के थ्रू पहचान लो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो बार बार आती है, और एक टाइम के बाद वो आनी बस ऐसी हो जाएगी, आ भी रही है ना तो तब भी पता नहीं चलेगा। तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, अपने को इस प्रॉब्लम के थ्रू चैलेंज करो और कॉन्सेंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करो। ABC टेक्निक खत्म, स्पाइडर टेक्निक खत्म। अब आते हैं कॉन्सेंट्रेशन चेक पॉइंट्स, मतलब अपने आपको पॉइंट्स देने डेली कॉन्सेंट्रेशन बेसिस पे। कहीं पे भी आउट ऑफ 10 लिख के टांग लो या अपने कॉपी पे लिख लो, कहीं पे भी कुछ भी कर लो, और अपने आपको सुबह से शाम तक कॉन्सेंट्रेशन में पॉइंट्स देने हैं कि आज अपने आपको, देखो हर एक को पता होता है एग्जाम दे के हम निकलते हैं ना तो हमें पता होता है हमारे मार्क्स कितने आएंगे, हम अपने आपको कन्विंस करते हैं कि नहीं यार अच्छा गया है इतने आएंगे, नहीं दिल से, यहाँ जो ये जो दिल है ना इसको पता होता है कितना मार्क्स का आएगा भाई, कितने एक्यूरेटली हमारे मार्क्स आएंगे। ऐसे ही हमें भी पता होगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन कैसा जाएगा, राइट? आज का हमारा कॉन्सेंट्रेशन पीरियड कैसा गया, 10 में से मार्क्स हो आज 5 आए, कल 6 आए, फिर 4 आए, फिर 7 आए, पूरा स्केड्यूल होगा आपके पास कि मैंने डेली 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 बेसिस पे ग्रो करा या डी ग्रो हुआ, मैं नीचे गया। तो पूरा चार्ट देखो, एनालाइज करो किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, कहां ज्यादा दिक्कत आई, और उस चार्ट के थ्रू अपने आप को चेंज करो। दैट इज पॉइंट नंबर 3। तो ये जो 3 टेक्निक्स आपको मैंने बताई ना, इनको आपने आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया होगा, प्लीज इनको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, एक एक करके सारा प्रोसेस सीरीज वाइज पहचानो, अपने दिमाग के हॉरिजॉन को एक्सपेंड करो, और कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड अब रिसर्च बंद कर देना, बस अब स्टार्ट कर दो करना जो भी मैं बता रहा हूँ, राइट? टेक्निक्स को फॉलो करो और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव कैसे करते हैं। इंक्रीज अलग है, इंप्रूव अलग है, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।